चिल्ड्रेन टू माय ट्यूटोरियल अगेन। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि उसमें ICSE मीडियम के बच्चों के लिए है, CBSE मीडियम के बच्चों के लिए है, उड़िया मीडियम के बच्चों के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए भी है। लेकिन मैं इतने सालों से शिक्षकता करते आई हूँ और उसमें से बहुत सारे बच्चों को डांटती भी रहती हूँ, तुम लोग अच्छे से पढ़ते क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। तो बच्चों का कोई कोई मुझे क्वेश्चन पूछते हुए सुने हूँ कि वो पूछते हैं, टीचर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, मैं तो कल रात को 12 बजे तक पढ़ रहा था, कोई बोलता है मैं तो कल रात को 1 बजे तक पढ़ रहा था, फिर जब आप क्वेश्चन पूछते हो हमको आता नहीं है, ऐसा क्यों होता है, हम तो मेहनत करते हैं और हमें याद क्यों नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन का हल जो है मैंने ढूंढ लिया है और मैं सबको वो बताती भी रहती हूँ, ताकि उसका जो कुछ ट्रिक्स है वो तुम फॉलो करो तो जाके तुम्हें उसका वो याद रह जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपने सारे वीडियो में जो आपको समझाती रहती हूँ, तभी आपको लग रहा होगा कि आपको सारा समझ में आ गया है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसमें सारा कुछ सुन लेते हो, फिर जैसे ही आपको लगता है कि आपको सारा आ गया, फिर बंद कर देते हो, फिर दूसरे बार उसे नहीं देखते हो या और कोई स्टेप आगे नहीं लेते हो। फिर तुम जब एग्ज़ाम का टाइम आता है और कोई पूछने का टाइम आता है तो तुम लोग फिर हड़बड़ा जाते हो। जैसे कि मैं कुछ भी कह लूँ, लेकिन हमेशा तो मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन वो मेहनत का फल कैसे आपको मिलेगा, आपको ठीक समय में वो कैसे याद आ जाएगा, आप कैसे उसमें मार्क फेचिंग कर सकते हो, ये सब ट्रिक्स मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन मेहनत आपको करना है, मेहनत कम में कैसे फल आपको अच्छा मिलेगा वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, ताकि तुम कम समय में अपना जो मेहनत है वो मेहनत को आपको बार बार ना करना पड़े। ये तो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए यूज़फुल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो 10th का बोर्ड दे रहे हैं या 12वीं का बोर्ड दे रहे हैं, उनका समय जो होता है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, उनका टेंशन आ जाता है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरा बच्चा कैसे करेगा, वैसा करेगा, ये सारे पेरेंट्स का परेशानी है और साथ ही साथ सारे बच्चों का भी परेशानी है। जैसे ही 10th या प्लस टू आ जाता है, सभी का बिना पढ़ाई किए, बिना साल शुरू हुआ, सभी का एक टेंशन है। और आने से पहले भी जब बच्चा 7th में 6th में भी होता है, अरे मेरा बच्चा 10th जाएगा तो कैसा करेगा, मेरा बच्चा 12वीं को जाएगा तो कैसा करेगा, ये सारा टेंशन पेरेंट्स का भी हो जाता है और ये सारा जो टेंशन है वो बच्चों के ऊपर भी लाद देते हैं। लेकिन उससे आप लोग कैसे छुटकारा पा सकते हो वो मैं ट्रिक्स आपको बता सकती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो। वो सारा ट्रिक्स अगर आप चाहे 6th हो, 5th हो, 4th हो, 7th हो, जो भी हो, जब वो ट्रिक्स को आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तब से आप वो ट्रिक्स फॉलो करना शुरू कर देना, ताकि आपका जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जो अपग्रेड होता जाएगा वो चीज़ें ही फॉलो करते करते आप एक हैबिचुअल में हो सकते हो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ जाओ सिर्फ वही ट्रिक्स को आप फॉलो करो और आपका जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा और वो आप जल्दी से भूलोगे भी नहीं। सबसे बात अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ते हो और बार बार भूल जाते हो तो उसके ऊपर आपका टाइम जाया जाता है और आपको ज़्यादा लेबर भी करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कर लो ताकि जो तुम्हारा पढ़ने का टाइमिंग हो वो टाइमिंग कम में अगर एक बार पढ़ लो तो वो मेमोराइज हो जाएगा। कभी कभार अभी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ी बहुत अगर भूलने लगो तो भी जब आप उसको रिवाइज करने जाओ तो आपको इजीली वो समझ में आ जाए जल्दी से। और एक बार अगर आपको ऐसा देखने से ही तुम्हें पता चल जाए कि वो भी चैप्टर क्या था, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो जाके आपका मेमोराइज लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। तो बच्चों, ट्रिक्स तो मैं बता दूंगी, लेकिन फॉलो किसे करना है, फॉलो तो आप लोगों को ही करना है, क्योंकि मैं अपना मेहनत, अपना मार्क्स, अपना करियर, मैं बस तुम्हें एक राह दिखा सकती हूँ कि बस उस राह पर चलो। और चलना किसको है, वो सिर्फ आपको ही चलना है, तो उस पर चल के तो देखो, फिर देखो कि आपका मेहनत कैसे यू रंग लाता है, फिर तभी आपको, अगर एक बार आप सफल हो गए तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो आपको करने के लिए एक हौसला मिल जाएगा। तो एक बार आप उसे फॉलो करके देखो, माइंडफुली उसे करो, उसमें कंसंट्रेट करो, जो भी चाहे काम करो वो मन लगा के
आगे करो, कोई काम छोटा बड़ा या ये वो कर दिया मैं वो करूँगा ऐसा नहीं है। कोई भी एक ट्रिक और रूल जो देते हैं उसमें फॉलो करना सीखो। अगर वो रूल या वो मेथड आपके ऊपर फिट बैठता है तो आप उसको फॉलो करो, अगर नहीं फिट बैठता है तो भी कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा रूल भी फॉलो कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। लेकिन मैं जो ये रूल बना रही हूँ वो मैं बहुत सारे बच्चों को मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं जो आपको बोलने वाली हूँ वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। लेकिन करना किसको है मैं बार बार बोली हूँ, वो आप ही को करना है। तो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही कुछ ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हमेशा हाजिर रहूँगी। लेकिन पाने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बोली, थोड़ा तो मेहनत करना है ना, वो थोड़ी मेहनत होगा। आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे जो चैनल में मैं वीडियो अपलोड करूँगी पढ़ाई के साथ साथ ये सारे ट्रिक्स भी सारे बच्चों को मिल सके और वो भी उसका आनंद उठा सके और लाभ उठा सके। तो मेरे चैनल का लिंक आपको पता है ना, आप मेरे जाइए, मैं अपना सब्सक्रिप्शन बस में भी वो लिंक कॉपी करके लिख दूँगी। और मेरा जो चैनल है आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में निहारिका ट्यूटोरियल, उधर जाओ और सारा वीडियो आपको उधर मिल जाएगा। लेकिन आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल जाके उधर प्लेलिस्ट में जाइए, मैं क्लासेस वाइज उधर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो क्लास जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप ओपन करके देख सकते हो और आप दूसरों के साथ भी वो शेयर कर सकते हो। तो बच्चों, हम अभी देखेंगे कि मेमोराइज करने का आसान सा तरीका क्या होता है और वो कैसे आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप तो पढ़ चुके हो लेकिन अभी जो है मेमोराइज जो है आपको याद रखना है, वो कैसे आप एग्जाम तक याद रख सकते हो। अगर कभी कभार भूल भी जाए तो इजीली कम समय में आप उसको कैसे रिकॉल कर सकते हो, देखते हैं वो ट्रिक्स। तो बच्चों, हम ये ट्रिक्स यही वर्ड मेमोराइज से ही लेंगे। मेमोराइज का एवरी वर्ड फॉलो करके हम लोग जो है वो मेमोराइज सारे सब्जेक्ट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। दैट इज द इजी ट्रिक फॉर यू। सो लेट अस टेक दैट वन। फर्स्ट इज एम। एम मीन्स यू हैव टू नोट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मीन्स आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वट एवर द सब्जेक्ट, जब भी आप पढ़ते हो आप एक पेंसिल एंड नोटबुक पकड़ के बैठ जाना। तभी जो भी आपको मेन पॉइंट्स लगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, वो पॉइंट को चैप्टर का नाम लिख के एक साथ आपको लिख देना है, एरो मार्क दे के या पॉइंट वन पॉइंट टू करके वो लिख देना है। और वो भी कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। फिर दूसरा पॉइंट है आपका इजी ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स। वो क्या होता है, वो होता है जैसे कि आप लोगों ने सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया, तो आपका सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं अभी बोली, ये मैं सारा पॉइंट्स आपको लिखी हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मेमोराइज करना है, और उसको मैं इजी ट्रिक्स क्या बना दिया, मेमोराइज वर्ड बना दिया, ताकि आपको ये वर्ड याद रहे एंड वो वर्ड से एक एक चीज याद रहे। ऐसे ही बच्चों, आपने जब कभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का एक सीक्वेंस बनाया है, उसका फर्स्ट लेटर लेके एक ट्रिक बनाओ, ताकि वो वर्ड आपको याद रह जाए और उसमें से आप हमेशा कभी भी कुछ याद करो, बस वो वर्ड को याद करो और वो वर्ड में क्या क्या अब्रिविएशन था वो याद कर सको। देन थर्ड इज योर मैनेज टाइम, मैनेज टाइम। वो क्या होता है, हमेशा तो आप लोगों को पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ो ऐसे ही आप उसको दिन भर, चार दिन, पाँच दिन रह के पकड़ के मत बैठो। जैसे कि आपका ये हमेशा बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ो उसका दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, जितना आपको याद रह सके, जितना आपको समझ में आ सके उसको लेके पकड़ के उतना ही टाइम पढ़ के फिर दूसरा सब्जेक्ट को जाओ। फिर तीसरा पॉइंट,
नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मीन्स आप जो चैप्टर का करते हो और जो पॉइंट्स लिखते हो, ना कि ये चैप्टर वो सब्जेक्ट एक ही में सब मिक्स कर दो, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट का खत्म होने तक एक चैप्टर का आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉल एनी टाइम। रिकॉल एनी टाइम मीन्स क्या है वो? रिकॉल एनी टाइम मतलब आप जब भी जो काम कर रहे हो, जैसे काम करते करते गाना गा रहे हो, काम करते करते कुछ चीज़ें याद रख रहे हो जो आपको अच्छा लगे, एंटरटेन लगे, ऐसे ही आपका पढ़ाई को भी अगर आप मज़ेदार बना सको तो आपका मेमोराइज जल्दी से हो जाएगा। तो वो मज़ेदार कैसे बनाना है? वो ट्रिक से। तो जब भी आप कुछ काम करते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, वो जो शॉर्टकट वर्ड आपने बनाया है वो आप रिकॉल करो और वो आप बार बार उसमें एब्रिविएशन क्या था वो आप याद करो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सभी जो वर्ड बना है वो आपको जल्दी से याद आ जाए या उसका एब्रिविएशन याद आ जाए, नहीं, बस आपको याद करना पड़ता है। अगर सपोज आपको भूल जाए, भूलना तो ह्यूमन की नेचर है, भूल भी जा सकते हैं, तो भूल जाए तो आप इमीडिएट एक्शन लेना, ना कि उसको लिंगरिंग करते रहना। मतलब कैसा? अगर आपके पास टाइम है इमीडिएटली आके वो पॉइंट को एक बार पढ़ लो, अगर नहीं है तो भी कैसे भी करके एक नोट करके रख लो कि मुझे जैसे ही पढ़ाई शुरू करनी है पहले वो बात को देखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? शॉर्टकट पॉइंट। शॉर्टकट एंड स्टडी रिपीटेडली। शॉर्टकट एंड स्टडी रिपीटेडली मतलब क्या है उसका? अगर जो पॉइंट आपको याद नहीं आया, मतलब सपोज उसमें कुछ ना कुछ गलती था या कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल था, तो अगर हो सके उसी पॉइंट को भी आप और सरल बनाने की कोशिश करना, और उसी टॉपिक पर जो आपको याद नहीं आता है बार बार आप उसको देखते रहो। द नेक्स्ट इज द एरर फ्री का मतलब है कि जो भी आप पढ़ते हो, इतना सारा कुछ करोगे उसमें गलती नहीं रहना चाहिए आपका। अगर गलती हो गया तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए आपका जो पढ़ाई है, हमेशा ये कोशिश करो कि आपके पढ़ाई जो हो वो एरर फ्री रहे। तो बच्चों ये थी आज की ट्रिक्स ताकि आपका पढ़ाई मज़ेदार हो सके और आपका वो एंजॉय कर सको। पढ़ाई जब एंजॉय करोगे तब आपको याद रहेगा। जैसे कि आप कोई पिक्चर का सीन याद रहता है, पिक्चर याद रहता है, क्यों? क्योंकि आप उसे एंजॉय करते हो, ऐसे ही। और वो एंजॉय कैसे करते हो? पिक्चर भी बहुत सारा बोरिंग होता है ना, तो पिक्चर को जैसे एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के एंजॉयबल बनाया जाता है, ऐसे ही आप पढ़ाई को जो हो वो ट्रिक का तड़का लगा के एंजॉय करो ताकि वो मेमोराइज हो जाए। तो ये रहा आज की वीडियो बच्चों। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और मैं जैसे ही पहले बोल चुकी हूँ, अगर मेरे वीडियोस आप कन्वीनियंटली सिक्वेंशियली मैनर में देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट को जाओ और उधर आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।